এইমাত্র করোনা ভ্যাকসিন নিয়ে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন ভারতের বাজারে কবে করোনার ভ্যাকসিন আসবে, সেই ভ্যাকসিন কাদেরকে সর্বপ্রথম দেওয়া হবে, সেই ভ্যাকসিনের দামই বা কত টাকা হবে। তিনি কিন্তু সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়েছেন এই ভ্যাকসিন নিয়ে। তোমাদের অবশ্যই আপনারা যদি জানতে চান ভ্যাকসিন সংক্রান্ত সমস্ত প্রশ্নের উত্তর, তাহলে অবশ্যই ভিডিওটা স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখ থেকে আপনারা কিন্তু সেই কথাগুলি শুনতে পাবেন। তোমাদের অবশ্যই এই চ্যানেল থেকে আগামীতে ভ্যাকসিন সংক্রান্ত পরবর্তী আপডেট পেতে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনে প্রেস করে নোটিফিকেশনটা অল করে দেবেন, যাতে এই চ্যানেলের একটা ভিডিও নোটিস আপনার মিস না হয়। তো চলুন সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে সেই কথাগুলি শোনা যাক। टीकाकरण को लेकर राज्य सरकारों के अनेक सुझाव भी मिले थे। कुछ दिन पहले मेरी मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाने का जो प्रयास कर रही वैज्ञानिक टीमें हैं, काफी देर तक उनसे बहुत ही सार्थक मेरी बातचीत हुई है। वैज्ञानिकों से भी मिलने का मौका मिला है और भारत के वैज्ञानिक अपनी सफलता को लेकर बहुत ही आश्वस्त हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही मजबूत है जी। अभी अन्य देशों की कई वैक्सीनों के नाम बाजार में हम सब सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी दुनिया की नजर कम कीमत वाली सबसे सुरक्षित वैक्सीन पर है और इस वजह से स्वाभाविक है पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है। अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद जाकर मैंने ये भी देखा है कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर देश की तैयारियां कैसी हैं। हमारे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स आईसीएमआर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और ग्लोबल इंडस्ट्री के अन्य दिग्गजों के बहुत ही संपर्क में रहकर के तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। आप एक तरह से मानकर चलिए कि सभी कमर कस के तैयार बैठे हैं। करीब करीब 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है जो ट्रायल के अलग अलग चरण में और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। जैसा यहां चर्चा में भी बात आई, भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। टीकाकरण के पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। साथियों, वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, इसे लेकर भी सवाल स्वाभाविक है। केंद्र सरकार इस बारे में राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है। वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा।